आइए शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर, ट्रेडिशनल वर्सेस स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट। इस चैप्टर से जब मैंने आपको रिवीजन कराया था तो उस समय जितना था सब कुछ पढ़ाया था, बट अभी हमारा उद्देश्य है कि हम वो पढ़ें जो हमारे एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है। तो उसी फोकस के साथ मैं आपको अभी कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करूँगा वापस से, जिससे कि आप लास्ट मोमेंट पे सब कुछ मेरे जुबानी से रिकॉल कर पाएँ, और सेकेंडली उस पर्टिकुलर चीज़ से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन है उसको भी आपको बता दूंगा, जिस क्वेश्चन को आपको करना है खुद से। ठीक है, सो ट्रेडिशनल वर्सेस स्टडी कॉस्ट मैनेजमेंट में सबसे पहला आता है इन दोनों का डिफरेंस। सो सबसे पहला टाइम स्पैन को लेकर, ट्रेडिशनल आपका शॉर्ट टर्म है, स्ट्रेटजिक आपका लॉन्ग टर्म है। फोकस को लेकर, ट्रेडिशनल इंटरनल फोकस है, स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पे फोकस करता है। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट आपका कॉस्ट ड्राइवर कॉन्सेप्ट है, तो उसका वॉल्यूम बेस्ड कॉस्टिंग होता है और यहाँ पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चलता है। फिर ऑब्जेक्टिव है ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट का, कॉस्ट एलोकेशन, कॉस्ट एब्जॉर्प्शन एंड वेरियंस रिपोर्टिंग, और यहाँ पर कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन आप कर सकते हो। लेकिन हमारे स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज थ्रू कॉस्ट लीडरशिप एंड डिफरेंशिएशन। यहाँ पर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कॉस्ट रिडक्शन का है, वहाँ पर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कॉस्ट कंटेनमेंट का है, एट द सेम टाइम वैल्यू इंप्रूवमेंट का भी है। मतलब ये नहीं सोचना सिर्फ कि कॉस्ट कैसे घटे, ये सोचना है कि कस्टमर को कैसे बेनिफिट होगा। ये रिस्क एवर्स अप्रोच में चलता है, तो वो रिस्क टेकिंग अप्रोच में चलता है। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट का अपना लिमिटेशंस है, जिसको याद करने का एक निमोनिक्स बताया गया था, अमीर कार क्वालिटी। तो ए फॉर था कि ये अकाउंटिंग पे फोकस ज़्यादा करता है, एक्सेसिव फोकस ऑन अकाउंटिंग डेटा, डज नॉट कंसिडर नॉन फाइनेंशियल। एम फॉर था कॉस्ट मैनेज करता है ज़्यादा, वैल्यू के ऊपर ध्यान नहीं देता। आई फॉर था कि इंटरनल फोकस ज़्यादा रखता है, एक्सटर्नल कॉम्पिटिटर्स के ऊपर नज़र नहीं रखता, इंटरनल क्या चल रहा है उसके ऊपर ध्यान रखता है। आर फॉर था कि ये रिएक्टिव अप्रोच है, कि जब फोर्स कर दिए जाते हो तब आपको आइडियाज़ दे दिया जाता है इसमें। फिर सी फॉर था कि मॉडर्न कस्टमर्स का एक्सपेक्टेशन के ऊपर ध्यान नहीं रखा जाता है इसमें, आप अपना खाली कॉस्ट के ऊपर ध्यान दे रहे होते हो। आर फॉर था आपका रिव्यू एंड ऑप्टिमाइजेशन, या रिव्यू एंड इम्प्रोवाइजेशन के ऊपर फोकस नहीं रहता प्रोसेसेस का। जैसे कि कोई प्रिंटर ख़राब है, उससे प्रिंटिंग स्लो हो रहा है, तो उसको बेटर करना है, ऐसा सोच नहीं आता है। और यहाँ पर क्वालिटी के ऊपर ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर ध्यान रहता है, और कॉस्ट और क्वालिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलते हैं, राइट? तो ये आपको याद रखना, निमोनिक्स है अमीर कार क्वालिटी। अब इसको आप दो बार और उच्चारण करिए, आपको ये पॉइंट्स याद हो जाएंगे। और इन पॉइंट्स को लेकर एक क्वेश्चन है हमारे डीजेबी बुक में, अगर आपके पास हमारा लेटेस्ट डीजेबी बुक है, एकदम लेटेस्ट टू लेटेस्ट, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 14 है, और अगर उसके पहले का है तो आपको मैं नाम बता देता हूँ, इट इज़ परीक्षा कॉमर्स वाला एक क्वेश्चन है, परीक्षा कॉमर्स वाला, परीक्षा कॉमर्स टेस्ट बोल के क्वेश्चन है। और उसमें वो बेसिकली कहाँ से मिलेगा, केस स्टडी डाइजेस्ट से मिलेगा, CSD माने केस स्टडी डाइजेस्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 आपको भी देखना है, जो इस पर्टिकुलर चीज़ से जुड़ा हुआ है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अभी आप पूरा चैप्टर मेरे से सुन लीजिए, और रेलिवेंट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ उसको इस तरह से मार्क कर लीजिए, और जैसे ही ये चैप्टर मेरा ख़त्म होगा आप ये सब क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको देख लीजिए। तो परीक्षा कॉमर्स वाला जो क्वेश्चन है केस स्टडी डाइजेस्ट का, वो ये वाला क्वेश्चन है, जैसे मैंने अभी आपके सामने खोल दिया है। इसमें आपसे वही सब पूछा जा रहा है कि वेदर अप्रोच हियर इज़ ऑफ ट्रेडिशनल मैनेजमेंट और स्टडी कॉस्ट मैनेजमेंट। फिर लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट आइडेंटिफाइड इन वन अबव, यानी लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट बताना है। फिर एक्सप्लेन द डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस एंड वैल्यू शॉप मॉडल। ये अभी मैं नहीं पढ़ाया हूँ, ये आपका इन दोनों पार्ट के लिए मैंने मार्किंग किया है। और डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, ये आपका फर्स्ट सेकेंड पार्ट से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, सो इसमें वो कहानी होती है ना कि ये लोग एक देखा देखी में एक हायर करते हैं एक्टर को, याद आ रहा है आपको ऐसा कुछ? देखा देखी में ये लोग अपना देख रहे होते हैं, इंटरनल फाइनेंशियल स्ट्रांग चल रहा है तो आदमी लोग को कम कर देते हैं क्वेश्चन पेपर सेटिंग डिपार्टमेंट से। तो वो सब जो अप्रोचेज़ हैं इनके, वो सब अप्रोचेज़ आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे। आपने अपना मार्किंग किया हुआ होगा तो बस सबको देख लेना है, एक एक का एग्जाम्पल। जैसे फोकस इज ऑन मैनेजिंग कॉस्ट, तो उसका एक एग्जाम्पल चाहिए कि स्विचिंग टू पेपरलेस क्वेश्चन पेपर्स। जैसे इट हैज़ इंटरनल फोकस एंड डज नॉट लुक एट एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ कॉम्पिटिशन, तो एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग कॉन्ट्रैक्ट मिस साक्षी शर्मा ऑफ एडवर्टीजमेंट वॉज इग्नोरेंस ऑफ कॉम्पिटिशन।
एक नए अच्छे एक्टर के साथ काम कर रहे थे, बट आपने उसका कॉन्ट्रैक्ट को ड्रॉप कर दिया। इंटरनल फोकस था, इन्फीरियर क्वालिटी, आप कॉस्ट रिडक्शन पे गए जिससे इन्फीरियर क्वालिटी आ गया। और उसका एग्जाम्पल है मेंबर्स ऑफ रिडक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ पेपर सेटिंग टीम। तो ऐसे आपको एक एक पॉइंट रखना है और एक उसका एग्जाम्पल, पॉइंट और एक एग्जाम्पल, पॉइंट और एक एग्जाम्पल, बस ये ध्यान रखना है। इस तरह से आपका ये आंसर तैयार हो जाएगा, राइट। तो आइए वापस चलते हैं, वापस चलते हैं मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। अब ये सब क्या है ना, कुछ कुछ बातें जो थी वो सिलेबस में था तो हमने पढ़ा था उस समय, बट कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जो एग्ज़ाम में अपने आती नहीं है या आई भी नहीं है या उसका कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मैं उसको स्किप करना चाहूँगा अभी, तो वो आप अपने से पढ़ लें। जैसे नेसेसिटी ऑफ स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट इज़ बेसिकली नथिंग बट इम्पॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, जो वो परीक्षा कॉमर्स वाला क्वेश्चन में ही था, क्वेश्चन 14 का ही जो परीक्षा वाला क्वेश्चन था उसी में एक पार्ट था, लास्ट पार्ट परीक्षा वाला केस स्टडी डाइजेस्ट से पार्ट 4। तो अकॉर्डिंगली आप ये वाला को रेफ़र कर सकते हैं। तो इसमें नेसेसिटी ये है कि ये स्ट्रेटजिक पोजीशनिंग को स्ट्रेंथन करेगा, सेकंड ये कॉस्ट स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा टू गेन सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, थर्ड ये मैनेजरियल यूज़ ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन टू इम्प्लीमेंट एंड मॉडल स्ट्रेटजीज, ये आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, चौथा ये ओवरऑल कॉस्ट रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, जिससे कि एक पर्टिकुलर कड़ी से अगर कॉस्ट कम किया जाए तो उसका कारण कहीं दूसरा जगह कॉस्ट बढ़ जाएगा क्या। ऐसे ये 4 पॉइंट है, एक बार फिर से रिपीट करो, स्ट्रेटजिक पोजिशनिंग, कॉस्ट स्ट्रक्चर अंडरस्टैंडिंग, और एक अंडरस्टैंडिंग, एक इंटरलिंकिंग, और फिर है यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग डिफरेंट स्ट्रेटजीज़। तो ये आपका परीक्षा कॉमर्स का 2 पार्ट तो इससे कवर हो जाएगा, एक पार्ट इससे कवर हो जाएगा, और एक पार्ट वो वैल्यू चेन और वैल्यू शॉप में है जो आगे जाके आएगा। नेक्स्ट आता है टू वेज ऑफ अचीविंग सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज ऑफ और सुपीरियर परफॉर्मेंस। इसमें 2 मेन चीज़ें, एक है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और दूसरा है कॉस्ट लीडरशिप। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की जब बात आ रही है तो उसमें सबसे पहला आ रहा है हाउ, कैसे किया जाता है, आंसर है QIS, क्वालिटी इनोवेशन और सर्विस देकर। वॉट आफ्टर इन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, क्या तो प्राइस इंक्रीज कर दो क्योंकि आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएट हो गया, या फिर आप सेम प्राइस रख के ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर करो। रिस्क क्या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का, कि आप ध्यान रखना कि इसमें आप प्राइस बढ़ाने का जो कोशिश करोगे वो वर्क नहीं करता, इट इज़ फॉर नॉन प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स जो नॉर्मली बहुत लिमिटेड होते हैं। और दूसरा, अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो आप जो भी यूनिक करने का कोशिश करोगे अगर आप उसको प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो कॉपी हो जाएगा, तो इसलिए पेटेंट कराना जरूरी है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करने के बाद प्राइसिंग स्ट्रेटजी, क्या तो स्कीमिंग या फिर प्रीमियम प्राइसिंग स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए। तो ये सारा बात इस पूरा पर्टिकुलर पैराग्राफ में जो था वो हो गया है। तो इस तरह के पॉइंट्स आपको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन रिलेटेड याद रखने हैं। फिर कॉस्ट लीडरशिप क्या के लिए क्या है, कि ये कैसे किया जाता है, आपके पास एक्सेस टू रॉ मटेरियल सप्लाई है जो दूसरों के पास नहीं है, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपका बहुत स्ट्रांग है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपके यहाँ पे अचीव हो चुका है, बल्क परचेज आप कर पाते हो, जस्ट इन टाइम आप फॉलो करते हो, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पार्ट्स कॉम्पोनेंट्स आपने कर रखा है, लर्निंग एक्सपीरियंस आपके यहाँ पे बहुत आ रखा है, इसलिए आपके यहाँ कॉस्ट कम हो लगता है। इसका रिस्क क्या है, कि कॉस्ट रिड्यूस करने के चक्कर में क्वालिटी ख़राब हो सकता है, और बहुत बार अगेन ये टेक्नोलॉजी जो आप यूज़ करते हो वो भी कॉपी हो जाता है। कॉस्ट रिडक्शन करने के बाद प्राइसिंग स्ट्रेटजी, आप वेरिएबल कॉस्ट बेस्ड फॉलो कर सकते हो, प्राइसिंग बेसिकली पेनिट्रेशन प्राइसिंग यूज कर सकते हो टू एंटर इन टू अ लार्ज मार्केट। आफ्टर कॉस्ट रिडक्शन यू कैन ऑल्सो कीप द सेम प्राइस और रिड्यूस द प्राइस, जैसे वहां पे क्या था डिफरेंशिएशन में, यू कैन इंक्रीज द प्राइस और कीप द प्राइस सेम, और यहाँ पे क्या है कीप द प्राइस सेम टू इन्जॉय मोर मार्जिन, और यू कैन रिड्यूस द प्राइस टू इन्जॉय बेटर मार्केट शेयर। तो ये आपको पूरा एज इट इज याद करना है, ठीक है। फिर आपको मैंने कुछ की रेशियो समझाए थे, फिक्स कॉस्ट रेशियो और कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो आप निकालेंगे। फिक्स कॉस्ट रेशियो कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो इज ऑल ऑन सेल्स, ठीक है, सेल्स के ऊपर है। फिक्स कॉस्ट रेशियो भी सेल्स के ऊपर है, कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो भी सेल्स के ऊपर है। इफ बोथ द रेशियोज आर हायर द कंपनी इज परसुइंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, एक कंपनी जिसका फिक्स कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है वो अपना उस फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए ज़्यादा मार्जिन कमाना चाह रहा है, प्रीमियम कमाना चाह रहा है। तो अगर फिक्स कॉस्ट रेशियो भी हाई और कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो भी हाई है, इसका मतलब ये कंपनी हमारा क्या कर रहा है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है। और फिर आपको बताया था पोर्टर का अपना एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मॉडल होता है,
जिसमें बोलता है वो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज अचीव करने का तीन तरीका है, इसको थ्री जेनरिक स्ट्रेटजी भी बोलते हैं। एक होता है आपका कॉस्ट लीडरशिप, दूसरा होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, और तीसरा है फोकस स्ट्रेटजी। याद है, तो कॉस्ट लीडरशिप और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो होता है वो ब्रॉड मार्केट के लिए होता है, और आपको फोकस स्ट्रेटजी जब अप्लाई करना होता है वो अपना निश मार्केट के लिए करना होता है। और निश मार्केट में ये बोलते हैं कि अगर उनको कॉस्ट लीडरशिप का जरूरत है तो कॉस्ट लीडरशिप प्रोवाइड करिए, अगर उनको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का जरूरत है तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन प्रोवाइड करिए। ठीक है, तो वो निश मार्केट के लिए होता है। तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट पर आपको तीन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है कि आपको एक बार करना चाहिए। क्वेश्चंस का नंबर मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, वायरलेस करके स्टार्ट होता है वो, वायरलेस इज अ डैश, या इसे मैट में आपको मिल जाएगा। आप ये सब रेफरेंस लिख लीजिए और इसको करिएगा इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को कवर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, BA इज करके क्वेश्चन है जो इसी के ऊपर है, जो RTP नवंबर 20 में आपको मिल जाएगा, हो सकता है इंस्टीट्यूट मैट में भी मिल जाए। और क्वेश्चन नंबर 8 है, इनकम स्टेटमेंट एक बना के दिया हुआ जिसमें ये रेशियो निकालना है, ये रेशियो वाला क्वेश्चन है, ये आपका RTP नवंबर 20 में आया था। इस तरह से जिस जिस जगह से क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में, मैं वो क्वेश्चन आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इससे भी एक केस स्टडी डाइजेस्ट का एक क्वेश्चन है, तो वो आप कर लेंगे। इसको लेकर मैं कोई बहुत बड़ा बतंगड़ नहीं बनाया। ऑलराइट, तो ये तीन अभी आपको क्वेश्चन इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से करने हैं। तो क्वेश्चन कहाँ है, ये जैसे हमने DJB बुक आपके सामने खोला हुआ है, तो यहाँ पर ही अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर 3 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये वायरलेस वाला, इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ मोबाइल फोन। इसमें वही लो कॉस्ट और डिफरेंशिएशन के बारे में बात करना है, उसके साथ जुड़े हुए रिस्क के बारे में बात करना है, और एडवाइस वायरलेस टू सस्टेन इट्स करेंट स्ट्रेटजी फॉर मोबाइल ए। तो इसमें एक सजेशन था बहुत अच्छा कि जो इनका मोबाइल जेड का लर्निंग है, लर्निंग एक्सपीरियंस फ्रॉम रिसर्च फॉर मोबाइल जेड कैन बी लिवरेज्ड इन मोबाइल ए, जो एक यूनिक टिप है जो क्वेश्चन में खाली दिया गया है, नॉर्मली कॉन्सेप्ट में उसको अपने कवर नहीं करते हैं। ठीक है, रिस्क इन्वॉल्व इन दिस स्ट्रेटजीज क्या है, रिस्क इज बेसिकली कॉपी हो जाएगा और क्या। और दूसरा है कि आपके प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स को डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आता है। ऑलराइट, तो वही रिस्क है, उसी को सिचुएशन ओरिएंटेड एलैबोरेट किया हुआ है। फिर आपको मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 6 है, जो BA लिमिटेड का है, जो एयरलाइन से जुड़ा हुआ है, इसमें भी वही बताना है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और आप लो कॉस्ट एडवांटेज के बारे में। तो इसमें एयरलाइंस के डिफरेंशिएशन और एडवांटेजेस कैसे आएंगे, उसके कुछ पॉइंट्स आपको नोट करने हैं चाहिए, जैसे कि ये सब तरीके से लो कॉस्ट आ सकता है और ये सब तरीके से डिफरेंशिएशन आ सकता है, ये आपको लर्न करना है। ये ध्यान दीजिएगा, दिस यू हैव टू लर्न। अगर आपने नहीं किया है तो आज आप जब रिवाइज करेंगे तो ये सब पॉइंट्स थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, 3-4 पॉइंट। लो कॉस्ट इन एयरलाइंस लाने का तरीका क्या है, और दूसरा आपका डिफरेंशिएशन लाने का तरीका क्या है, क्योंकि आप अपने मन से कुछ भी बनाएंगे तो नंबर मिलना नहीं है। और एक क्वेश्चन है 8 नंबर, इनकम स्टेटमेंट को लेकर। इनकम स्टेटमेंट में आप देखिए ये वाला, इसमें आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा स्ट्रेटजी फॉलो हो रहा है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की कॉस्ट लीडरशिप। तो हम लोग फिक्स कॉस्ट रेशियो निकालेंगे और कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो निकालेंगे, जिस कंपनी में दोनों हाई आ रहा है। जैसे फिक्स कॉस्ट रेशियो देखिए यहाँ पे हाई आ रहा है और कंट्रीब्यूशन मार्जिन यहाँ आ रहा है, तो इसका मतलब है WD जो है वो आपका डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा खर्चा कर रहा होगा R&D वगैरह पे, तो फिक्स कॉस्ट बढ़ गया और एट द सेम टाइम वो उसका मार्जिन कैपिटलाइज करने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो लेट्स कम बैक। देन कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट है वो आप एक बार देख लीजिए, ऐसा कुछ इसमें जोर देने का भी काम नहीं है। ठीक है, अब आ गया तो क्या होता है ना, कोई कोई नसीब खराब वाला भी क्वेश्चन आ जाता है, तो नसीब खराब समझ लीजिएगा अगर ये सब आ गया तो। एक बार आप नज़र सपने से निकाल लीजिए, इसमें मुझे अभी इनपुट मत देने दीजिए। नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं वैल्यू चेन एनालिसिस में। वैल्यू चेन एनालिसिस में मेनली आपको याद रखना है व्हाट इज़ वैल्यू, वैल्यू इज़ व्हाट कस्टमर वांट्स एंड इज़ विलिंग टू पे फॉर। वैल्यू चेन क्या है, लिंकेज ऑफ सेवरल एक्टिविटीज़, प्राइमरी एंड सपोर्ट एक्टिविटीज़ दैट ट्रांसफॉर्म्स इनपुट इंटू आउटपुट। और वैल्यू एनालिसिस क्या है, वैल्यू एनालिसिस इज आइडेंटिफाइंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ विच आर वैल्यू एडिंग एंड नॉन वैल्यू एडिंग एंड ग्रेजुअली एलिमिनेटिंग नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ टू
रिमेन विथ ओनली वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज, दिस हेल्प्स इन रिडक्शन इन कॉस्ट, एंड वेन यू रिड्यूस ओनली नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी यू हैव टू फोकस ऑन क्वालिटी दैट इट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज. सो यू हैव टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ एक्टिविटीज इन प्राइमरी एंड सपोर्ट. प्राइमरी में पाँच होता है, जैसे इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विस. और सपोर्ट में चार होता है, फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोक्योरमेंट, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्स, राइट. तो उसके अंदर भी क्या क्या होता है, जैसे ये सब रिक्लासिफिकेशन करने का क्वेश्चन आ जाता है, तो अंदर क्या क्या होता है ये भी थोड़ा सा आपको नज़र दौड़ा लेना है. खाली ऊपर से याद रखने से नहीं होगा, अंदर का भी नाम थोड़ा बहुत याद रखना है, ठीक है. फिर बेनिफिट्स ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस में आपको ध्यान रखना है कि ये आपको नॉन वैल्यू एडिंग आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा और ऑफ कोर्स एलिमिनेट करने में. फिर कॉस्ट रिलेशनशिप अमाउंग डिफरेंट एक्टिविटीज़, क्या होता है ना कि एक से हटाएंगे तो दूसरा में कॉस्ट अगर चढ़ गया तो, इसलिए कॉस्ट रिलेशनशिप अमाउंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ ये आपको अपना कोर कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा, किस में आप सबसे बेस्ट हो. ये आपका प्रॉफिटेबिलिटी एनहेंस करने में आपको हेल्प करेगा यूजिंग योर कोर कॉम्पिटेंसी. ये वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस में हेल्प करेगा, जिसको अपने फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन बोलते हैं, यानी कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट पूरा करने को हेल्प करेगा. ये आपका परसीव्ड वैल्यू इंप्रूव कराएगा, मतलब कस्टमर आपका प्रोडक्ट को लेकर कितना वैल्यू अट्रैच करता है, उस वैल्यू को बढ़ाने में आपको आइडियाज़ देगा कि कस्टमर कैसे वैल्यू कर रहा है. ये आपका परफॉर्मेंस मेट्रिक्स सेट करने में हेल्प कर सकता है. ये आपको कॉस्ट लीडरशिप डिफरेंशिएशन में हेल्प करेगा. ये आपको सजेस्ट करेगा अदर टेक्निक्स जो आप यूज़ कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन को और बेटर करने के लिए, जैसे कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, BPR, बेंचमार्किंग, आउटसोर्सिंग एक्सेट्रा. फिर कॉस्ट रिडक्शन अपॉर्चुनिटीज इन प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ वैल्यू चेन. जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये सब अगर मेरा प्राइमरी एक्टिविटीज इन वैल्यू चेन है तो इसके मैं कॉस्ट कैसे रिड्यूस कर सकता हूँ. तो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए आप जैसे परचेज वगैरह करें तो JIT परचेज में स्विच करिए. ऑपरेशंस का कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए आप प्रोडक्शन शेड्यूलिंग करिए और एफिशिएंसी मॉनिटरिंग, सुपरविजन और बेटर करिए. आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट रिडक्शन करने के लिए आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ डिलीवरी व्हीकल्स करिए, शॉर्टेस्ट रूट, GPS ट्रैकिंग, EDI सिस्टम, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज सिस्टम लगाइए, जिससे कि आपको पता चले कि आपका व्हीकल कहीं अंडर यूटिलाइज तो नहीं हो रहा है या फिर झूठ मूठ का लॉन्ग रूट तो पकड़ के नहीं जा रहा है. मार्केटिंग एंड सेल्स का कॉस्ट कम करने के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट सेल्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं, यानी ऑनलाइन वगैरह के ऊपर. और बेसिकली इसमें ये भी बोल सकते हैं ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स. आप एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से मल्टीपल तरह का प्रोडक्ट्स लॉन्च करके उसका भी कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करने का कोशिश करिए. और सर्विस के लिए ट्यूटोरियल्स रीडिज़ाइन करिए फॉर ईज ऑफ यूज़. ट्यूटोरियल्स मतलब सर्विस कैसे, जैसे पार्ट्स कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे रिपेयर करना है, सब के लिए ट्यूटोरियल्स बनाना शुरू करिए और रीडिज़ाइन फॉर ईज ऑफ यूज़ करिए, जिससे कि लोग इजीली इसको असेंबल कर सके, कभी बैटरी रिप्लेसमेंट करना हो तो सब इजीली कर सके. और हर एक इनिशिएटिव जो यहाँ पे आप लेंगे अपना, उसका एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, एज वेल एज उसका कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है, जिसको ध्यान में रखते हुए आपको कॉस्ट जिसको ध्यान में रखते हुए आपको इम्प्लीमेंट करना है. जब आप आंसर लिखोगे तो ये डिस्क्लेमर भी अपने इनिशिएटिव्स को लिखने के बाद लिख देंगे, ठीक है. नेक्स्ट है इसमें क्रिटिसिजम्स और लिमिटेशंस ऑफ वैल्यू चेन, कि ये टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये शॉर्ट टर्म में बेनिफिशियल नहीं है. ये सर्विस इंडस्ट्रीज के लिए लागू नहीं है, सर्विस इंडस्ट्रीज के लिए अलग से एक वैल्यू शॉप मॉडल बनाया हुआ है, बट सर्विस के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है. ये कम समटाइम्स जो नॉन फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स है उसको इग्नोर कर देता है. बहुत बार कोई नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी से नॉन फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स बन रहे होते हैं, जैसे एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप्स बेटर हो रहा होता है, एक कंपनी का ग्रुप कंपनीज में नेटवर्क बेटर हो रहा होता है कुछ एक्टिविटीज से, जो अभी वैल्यू चेन एनालिसिस कंसिडर नहीं करता है. नॉर्मली ये कहते हैं कि इसका जो बेनिफिट्स है वो उसके कॉस्ट से काफ़ी एक्सीड करता है, हालांकि उसको इम्प्लीमेंट करना भी कॉस्टली एक्सरसाइज है. ऑलराइट, सर्विस इंडस्ट्रीज के लिए एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस जिसका नाम है वैल्यू शॉप मॉडल, जो बाद में देख लेंगे. हाउएवर उन लोग भी ये वाला मॉडल यूज़ कर सकता है. जैसे एक एग्जांपल में एक केस स्टडी डाइजेस्ट का एक क्वेश्चन आता है कि एक हॉस्पिटल था, उसमें कैंटीन था, तो उसने सोचा कि कैंटीन को आउटसोर्स कर दें. तो कैंटीन आउटसोर्स कर दें तो उससे फाइनेंशियली सेविंग्स हो सकता है, बट उससे क्या होता है, कैंटीन अगर बाहर का आदमी ऑपरेट करेगा तो वो जिस तरह से ऑपरेट करेगा वो अपना टाइमिंग, अपना प्राइसिंग लगाएगा, जिससे डॉक्टर्स या स्टाफ्स का मोरल थोड़ा सा डाउन हो सकता है, उनकी एफिशिएंसी में फ़र्क आ सकता है. तो ये सब जो है हो सकता है वैल्यू चेन एनालिसिस को नॉन फाइनेंशियल समझ के इग्नोर कर दे, बट उसका एक इम्पॉर्टेंस है. इम्पॉर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप को लेकर हम लोग ये एग्जाम्पल रिलेट करके बता सकते हैं.
तो ऐसा नहीं कि आपको अपने से एग्जाम्पल्स क्रिएट करने हैं एग्ज़ाम में, जब डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट लिखना है, और जब आपका कोई केस स्टडी आया तो केस स्टडी में से कोई पॉइंट उठा के इससे कनेक्ट करना है। लिमिटेशंस ऑफ वैल्यू चेन दोबारा दोहराइए, टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव, कॉम्प्लेक्स, शॉर्ट टर्म और सूटेबल नॉट फॉर सर्विस इंडस्ट्री, नॉट सूटेबल फॉर सर्विस इंडस्ट्री, और इग्नोर द इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स, राइट। तो ये आपका पॉइंट्स है, इससे जुड़े हुए आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ, आप उसको तुरंत देख लेंगे, मतलब जैसे ही आपको क्वेश्चन देखना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है एक ऑडियो टेक करके, हमारे डीजेपी बुक में क्वेश्चन 3 देखिए, हो सकता है हमने हाल में अपने डीजेपी बुक में क्वेश्चंस आगे पीछे किए हैं, तो आपको इसलिए नाम भी बता दे रहा हूँ कि इस कंपनी का नाम से क्वेश्चन देखना, अगर आपका पढ़ा हुआ है ना तो आपको नाम सुनते ही याद आ जाएगा, ये May 19 एग्जाम में भी आया था। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आपको देखना है, एबीसी लिमिटेड करके है, एबीसी लिमिटेड, ये भी आपका ICAI MAT का ही क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 11 आपको देखना है, एबीसी एसोसिएट्स करके है, एबीसी एसोसिएट्स करके है, जो July 21 का क्वेश्चन है, July 21 का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर बेनिफिट्स ऑफ वैल्यू चेन में एक क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे डीजेबी में, क्वेश्चन नंबर 1 WSS वेस्टवुड सोलर सॉल्यूशन का, उसका एक पार्ट में बेनिफिट्स पूछा गया है। फिर ये कॉस्ट रिडक्शन अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आपका ऑडियो टेक वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी पूछा गया है, जो मैं ऊपर में मार्क किया ऑडियो टेक वाला May 19। और एक क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारे DJB में एक्स इज़ ए लीडिंग करके कम क्वेश्चन है, वो RTP November 20 का क्वेश्चन है, उसमें भी इसके बारे में पूछा गया है। तो क्या ये मार्क करने का उद्देश्य ये है कि आपको अब इस क्वेश्चन में जाना का है, और इन इन क्वेश्चन का ये सारा जो मैं रिलेटेड चीज़ मार्क किया हूँ वो सब पार्ट देख लेने का है, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ वैल्यू चेन को लेकर अगेन किसी क्वेश्चन में मिक्स करके पूछा गया, वो WSS वाला क्वेश्चन में पूछा गया है, जो क्वेश्चन नंबर 1 DJB का है, उसको आप फॉलो कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ऑडियो टेक का नहीं, ऑडियो टेक का कितना नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी, दिस इज क्वेश्चन 3 ऑडियो टेक। तो ये सब जो मैंने आपको बताया ये सब आप अपने DJB बुक में चले जाएंगे, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 WSS से जुड़ा हुआ है, वेस्टवुड सोलर सॉल्यूशन। अभी क्या होता है ना, एग्जाम के पहले जब रिवाइज कर रहे होते हैं तो पूरा क्वेश्चन कोई नहीं पढ़ता, अब आपको मोटा मोटा याद हो जाता है कि ये क्वेश्चन किस बारे में था, यहाँ पर कोई सोलर वाटर हीटर को लेकर उसका सॉल्यूशन इम्प्लीमेंटेशन को लेकर क्वेश्चन कहानी था, बस इतना ही, पूरा क्वेश्चन कौन पढ़ेगा। अभी सेकेंड नंबर अब आता है कि इसका रिक्वायरमेंट को पढ़ो, बेनिफिट्स दैट मे अक्रू फ्रॉम कंडक्टिंग अ वैल्यू चेन एनालिसिस, तो बेनिफिट्स ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस जो मैंने आपको बोला वो आपको लिखना है। तो इसमें कितना पॉइंट्स कवर्ड, आपको देख लो कि ये नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा, और हेल्प इन एनालाइजिंग अदर फॉर्म्स विद इन द सेम इंडस्ट्री, कि उस वो लोग कैसे वैल्यू वैल्यू ऐड कर रहे हैं। फिर वेज टू डेवलप हायर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इधर बाई कॉस्ट लीडरशिप और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, फिर थ्रू दिस एनालिसिस अदर रेलिवेंट मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में आइडिया निकल जाएगा, जैसे कि बेंच मार्किंग करना है, कि हम लोगों को एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट में जाना है, कि री इंजीनियरिंग करना है, तो ये भी पॉइंट अपना वहाँ पे कवर्ड था। फिर इट विल हेल्प टू डेवलप द परफॉर्मेंस मेट्रिक्स फॉर WSS विच विल हेल्प देम टू आइडेंटिफाई वेदर द एम्प्लॉयज आर परफॉर्मिंग और नॉट। फिर क्रिटिसिजम्स को लेकर था एक पॉइंट, क्रिटिसिजम्स कैन नॉट बी इजिली अप्लाइड टू द फर्म्स बिलोंगिंग टू सर्विस इंडस्ट्रीज, बिकॉज द कॉन्सेप्ट कैन नॉट बी अप्लाइड टू सर्विस इंडस्ट्रीज, उनके लिए एक अलग मॉडल है, कॉम्प्लिकेटेड है, इग्नोर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू नेटवर्क और रिलेशनशिप वाला, टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव है, ठीक है, कॉस्टली प्रोसेस है, रिक्वायर्स रिलायबल डेटा टू इम्प्लीमेंट, और इसका सॉल्यूशन है वैल्यू शॉप मॉडल, जो एक नया मॉडल बनाया गया है सर्विस इंडस्ट्री के लिए जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, जिसपे भी हम लोग आए नहीं। इस तरह से आंसर पढ़ना है, मतलब आपको ये नहीं करना है कि भाई पूरा अभी क्वेश्चन पढ़ने बैठ गया और पूरा आंसर पढ़ने बैठ गया, अगर ये सब पहले से पढ़ा हुआ है तभी ये फास्ट रिविजन करना संभव है, नहीं तो इस चीज़ के पीछे आप कितना टाइम निकाल दोगे ये आप ही समझ सकते हैं। इस तरीके से हम लोग आगे जाएंगे, अगर ऑडियो टेक वाला क्वेश्चन में जाएंगे तो आपको ध्यान होना चाहिए, ऑडियो टेक वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या क्या मैटर था, वो ट्रक को लेके बात कर रहा था कि इनका ट्रक ड्राइवर लोग परेशान हो रहा है, और ये लोग कुछ इसमें परफॉर्मेंस प्रिज्म का भी मैटर घुसाए हुए थे,
बैलेंस स्कोर कार्ड सिस्टम चल रहा था, बट एम्प्लॉय का टर्नओवर रेशियो ज़्यादा देखकर ये सोच रहे थे स्टेक होल्डर को बेट इम्प्रेस करने के लिए, खुश करने के लिए हम कौन सा मॉडल फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो इसमें क्या था, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन वेरियस प्राइमरी एक्टिविटीज़ इन इट्स वैल्यू चेन एंड सजेस्ट इज देयर एनी स्कोप ऑफ कॉस्ट रिडक्शन इन दीज एक्टिविटीज़। तो नाम ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज़ आपको पता ही है, आप पहले वैल्यू चेन का डेफिनेशन बता दिए, तो ऐसे आपको फ्रेगमेंट्स में याद रखना पड़ेगा रिविजन करते समय। डेफिनेशन बता दिए प्राइमरी एक्टिविटीज़, आप प्राइमरी एक्टिविटीज़ का नाम बता देंगे, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स है, ऑपरेशन है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स है, मार्केटिंग एंड सेल्स है, सर्विस है, और इसमें से कुछ कुछ जो यहाँ पे ऑडियो टेक के लिए लागू है उसका एग्जाम्पल्स यहाँ पे जरूर दे दीजिएगा। जितना आप एग्जाम्पल देंगे उतना आंसर का रेलिवेंसी बढ़ जाता है। ये एग्जाम्पल मन से देने का दरकार नहीं है, ये एग्जाम्पल केस स्टडी से उठा के देना है। और आप कैसे कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं हर एक जगह, जैसे जस्ट इन टाइम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, शेड्यूल ऑफ ट्रक्स डिलीवरी शेड्यूल आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और एक है यहाँ पे क्वालिटी और इम्पॉर्टेंस इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट टू इंश्योर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तो एक्सटेंसिव टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन प्रोसेस इन प्लेस, जो ऑपरेशंस को लेकर आप बोल सकते हैं वहाँ पे कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन एंड अप्रेजल कॉस्ट टू इंश्योर क्वालिटी इन ऑर्डर टू बैलेंस आउट द कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। और ऑल्टरनेटिव परफॉर्मेंस मेजर, वो परफॉर्मेंस प्रिज्म से जुड़ा हुआ है, वो आप पढ़ लीजिए अपने आप, डिले नहीं करिए। ऐसा नहीं कि परफॉर्मेंस प्रिज्म जब पढ़ेंगे तभी करेंगे, परफॉर्मेंस प्रिज्म का आपको याद होगा 5 फेसेट्स होता है, जैसे कौन मेरा स्टेक होल्डर है, वो मेरे से क्या चाहता है, उसका नीड क्या है हमारे तरफ से, मैं पहले आइडेंटिफाई करूंगा, फिर उसका नीड समझूंगा कि वो मेरे से क्या चाहता है, दैट इज स्टेक होल्डर कॉन्ट्रीब्यूशन। फिर उसको समझने के लिए ये भी देखूंगा कि बदले में मेरे को क्या मिलेगा, क्विड प्रो क्यो, देखिए ये सब बात है यहाँ पे, क्विड प्रो क्यो क्या वो एक्सपेक्ट कर रहा है और क्विड प्रो क्यो क्या मिलेगा मेरे को, और फिर स्ट्रेटजीज मैं बनाऊंगा, फिर स्ट्रेटजीज को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोसेस बनाऊंगा, और फिर अपने यहाँ पे कैपेबिलिटीज यानी कि रिसोर्सेज लाऊंगा जिससे कि वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो पाए। हर एक का आपको KPIs लिखना पड़ता है, ये KPIs आप ध्यान दे लीजिएगा, परफॉर्मेंस मेजर क्या है, हर एक केस में KPIs है, जो आपका ध्यान से उत्तर जाता है, आप उसको नहीं ध्यान देते हैं, आप बस मोटा मोटा पढ़ लेते हैं, तो KPI लिखेंगे तो मार्क्स मिलेगा, और फिर कंक्लूजन करना है। और इसमें आंसर, सिंस इन लोग बैलेंस स्कोर कार्ड ऑलरेडी फॉलो कर रहा था, तो यहाँ पर शुरुआत में बैलेंस स्कोर कार्ड वर्सेस परफॉर्मेंस प्रिज्म भी आपको बताना पड़ेगा कि उसमें क्या कमी था। बैलेंस स्कोर कार्ड बहुत ज़्यादा मेजरमेंट्स लेके रखता है, वो शेयर होल्डर पे फोकस करता है, और बैलेंस स्कोर कार्ड कभी भी स्ट्रेटजीज और प्रोसेसेस नया क्रिएट नहीं करता है, वो जो चल रहा है उसी को फॉलो करता है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट हियर, एवरीथिंग अबाउट हियर इज हियर, ओके। तो इस तरह से आपको रिवीजन करना है। देखो मेरे नज़र में तो मेरा ऑडियो टेक वाला क्वेश्चन अभी रिवाइज हो गया, अगर मेरा वो पहले से पढ़ा हुआ है तो मैं रिवाइज कर लिया, अगर आपका पहले से नहीं पढ़ा हुआ है तो मुश्किल है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि अगर कोई भी क्वेश्चन मैं ऐसा बता रहा हूँ जो पहले से नहीं पढ़ा हुआ है तो उसको एकदम लास्ट में कवर करना, टाइम बचे तो, पहले जो जो पढ़ा हुआ है उसको लेकर हम आगे बढ़ते चलेंगे। नेक्स्ट आता है देखो स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस। सो इसमें यहाँ पर आ रहा है पोर्टर्स स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क में 3 बात आता है, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर देखो, और फिर आप सेकंड है कॉम्पिटेंस एनालिसिस करो, और थर्ड है सेगमेंटेशन एनालिसिस करो। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर करने के लिए पोर्टर्स 5 फोर्स है और पेस्टल एनालिसिस है। तो पोर्टर्स 5 फोर्सेज मॉडल में आपको 5 फोर्स का नाम पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, बहुत डायनामिक होते हैं, और ये फोर्सेस किस किस चीज़ से अफेक्ट होते हैं उससे आपको याद रखना पड़ेगा अंदर का पॉइंट्स, जिससे कि आप उसको यूज़ करके अपना आंसर में इलेबोरेट कर सकेंगे। तो पहला है जैसे बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, फिर है सप्लायर्स, बायर्स के बाद बायर्स माने कस्टमर्स, फिर सप्लायर्स, सप्लायर्स माने आपके जो क्रेडिटर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं। तीसरा है न्यू एंट्रेंट्स, चौथा है कॉम्पिटिटिव राइवलरी, पाँच, 1, 2, 3, 4, और पाँचवा है आपका सब्स्टिट्यूट्स, राइट। तो इस तरह से 5 पहले फोर्सेस याद रखने, और ये याद रखना है कि सबका इम्पैक्ट डायनामिक होता है, और फिर ये भी याद रखना है कि ये हमारे बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स जो भी हैं उसमें, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स जो भी है उसमें क्या क्या डिटर्मिनेंट्स है। जैसे बायर्स अगर कॉन्सेंट्रेटेड है, सब एक जगह ही है, तो आपका बार्गेनिंग पावर उनका हाई रहेगा, वो लोग डोमिनेट करेंगे आपको, हाई वॉल्यूम परचेज करते तो वो डोमिनेट करेंगे। कॉस्ट ऑफ स्विचिंग बाई देम इज लो, वो जल्दी से किसी और के पास चले जाएंगे तो फिर वो आपको डोमिनेट करेंगे। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स,
बार्गेनिंग पावर सप्लायर्स का मतलब क्या है कि अगर इनपुट इज़ इम्पॉर्टेंट टू द बाइंग फर्म, अगर इनपुट इज़ इम्पॉर्टेंट टू द बाइंग फर्म तो सप्लायर का डोमिनेंस रहेगा। वेरी फ्यू सप्लायर है, वेरी फ्यू सप्लायर है तो उनका डोमिनेंस रहेगा। इनपुट रिप्लेसेबल नहीं है तो वेरी फ्यू सप्लायर रहेगा, ठीक है। इनपुट रिप्लेसेबल नहीं है, इसको और एक बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन अमॉन्ग ब्रांड्स, इसका एक और वर्ड हो सकता है सब्स्टिट्यूशन अमॉन्ग ब्रांड्स। अगर आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं तो बार्गेनिंग पावर हाई रहेगा। कंट्रोल ओवर वैल्यू चेन और सप्लाई चेन आपका नहीं है, सामने वाले का अगर ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है तो बार्गेनिंग उनका हाई रहेगा। मतलब आपका जैसे क्या होता है ना, आप इसलिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर लेते हैं। बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने से क्या होता है कि आपका कंट्रोल आ जाता है सप्लाई चेन पर, आपका बार्गेनिंग पावर बेटर हो जाता है। फिर सप्लायर ऑफ अदर फैक्टर्स नॉट अवेलेबल तो बार्गेनिंग पावर हाई है। अदर फैक्टर्स मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और भी चीज़ों के सप्लायर्स अगर लिमिटेड अवेलेबल हैं तो अकॉर्डिंगली आपका बार्गेनिंग पावर हाई हो जाएगा। थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट क्या है, मल्टीपल सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल और नॉट, अगर अवेलेबल नहीं है तो बार्गेनिंग पावर हाई है, अगर अवेलेबल है तो बार्गेनिंग पावर लो है। और ये थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट कैन बी फ्रॉम विद इन द इंडस्ट्री और आउटसाइड द इंडस्ट्री ऑल्सो। न्यू एंट्रेंट्स का देखिए बैरियर टू एंट्री है कि नहीं, रेगुलेशंस हाई है कि नहीं, स्किल्स हाई है कि नहीं, कैपेक्स हाई है कि नहीं, टेक्नोलॉजी है कि नहीं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपको अगर ज़्यादा मिल रखा है तो दूसरे आपके इंडस्ट्री में आएंगे ना तो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा पड़ेगा। अगर आपके यहाँ इकोनॉमीज ऑफ स्केल है तो रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स आपके यहाँ पे लो रहेगा। तो यहाँ पे क्या, अगर आपके इंडस्ट्री में हाई ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत है तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स लो है। आपके इंडस्ट्री में हाई लेवल ऑफ स्किल्स का जरूरत है आपके बिजनेस में तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट लो है। हाई रेगुलेशन है तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट लो है। फिर वैसे ही थ्रेट ऑफ कॉम्पिटेटिव राइवलरी और इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिशन, अगर इंडस्ट्री में शॉर्टेज चल रहा है तो राइवलरी ज़्यादा रहेगा। अगर सारे फर्म्स इक्वल साइज़ के हैं, मार्केट साइज ग्रो नहीं हो पा रहा है, मार्केट साइज ग्रो नहीं हो पा रहा है तो इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिशन ज़्यादा हो जाएगा। ओवर कैपेसिटी चल रहा है मतलब सबके पास कैपेसिटी ज़्यादा है, यूज़ नहीं हो पा रहा है तो लोग अपना कैपेसिटी यूटिलाइज करने के लिए कुछ भी प्राइस थ्रो अवे करेंगे। नो डिफरेंशिएशन इन गुड्स, अगर गुड्स में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, अगर गुड्स में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है तो आपका थ्रेट हाई हो जाएगा, ठीक है। अगर नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स हाई है तो हाई नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स अगर है तो राइवलरी ज़्यादा होना ही है। हाई नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स ये पॉइंट यहाँ पे नहीं है, ऐड कर लीजिए। और हाई एग्जिट बैरियर्स, अगर छोड़ के जाने का कॉस्ट बिजनेस का बहुत ज़्यादा है क्योंकि लोगों का फिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगा हुआ है तो थ्रेट ज़्यादा रहेगा राइवलरी का। और हाई फिक्स कॉस्ट है तो हाई एग्जिट बैरियर्स इम्प्लाइड है, तो अगर ऐसा है तो इंटेंसिटी हाई रहेगा ही रहेगा। सपोर्टर्स फोर्सेस बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर सप्लायर्स एंड बायर्स कैन बी ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर इंटरनल बाय और सेल ट्रांजेक्शन विद इन द ग्रुप। ये ट्रांसफर प्राइजिंग में इसके बारे में बात होता है, ये कंपनी अगर उसमें डिवीजन ए है डिवीजन बी है तो एक सेलर है दूसरा बायर है तो इन लोगों में भी ये पोर्टर्स फोर्स का बार्गेनिंग पावर अप्लाई होता है। बट देर इज़ नो पॉइंट ऑफ हैविंग इंटरनल कॉम्पिटिशन विद इन वन अनदर, एक जीता एक हारा विद इन इंटरनल कंपनीज डिवीजन, इसका क्या मतलब है। इसलिए ऐसा कभी प्रेशर पड़े तो ग्रुप को इंटरफियर करके जल्दी से जल्दी उनका कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाहिए, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन आता है, कैन आईटी स्ट्रेटजी काउंटर फाइव फोर्सेस। तो आईटी स्ट्रेटजी अगर आप आईटी पे फोकस करोगे, आईटी स्ट्रेटजी मतलब फोकसिंग ऑन आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर हम फोकस करें तो हम फाइव फोर्सेस से कॉम्बैट कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन बात है राइवलरी को लड़ने के लिए आईटी कैसे हेल्प कर सकता है, कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग नेटवर्क विद कस्टमर्स है, आप अपने सीआरएम वगैरह से अपने आईटी से कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा कनेक्ट करके रखें तो राइवलरी कम रहती है। सेकेंड नंबर न्यू एंट्रेंट्स, अगर आप न्यू एंट्रेंट्स को फॉलो कर रहे हैं, अगर आप न्यू एंट्रेंट्स को रोकना चाहते हैं तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्रिएट्स हाई एंट्री बैरियर और स्किल्ड पर्सनल टू बी केप्ट अपडेटेड। जितना भी स्किल्ड आदमी है उनको अप टू डेट रखो और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इतना एडवांस करते जाओ कि नया एंट्रेंट आपके यहाँ पे आने के लिए थोड़ा सा उसको मुश्किल हो। फिर आता है सप्लायर्स, सप्लायर्स को लेकर ये बोला जा रहा है कि ई प्रोक्योरमेंट एंड ऑटोमेटेड इन्वेंट्री मैनेजमेंट अगर आप करोगे तो उनसे आपका स्मूथ ट्रांजिशन होते रहेगा और इजीली आप स्विच भी कर पाओगे और उनको मैनेज करने का कॉस्ट आपको ज़्यादा नहीं लगेगा।
कस्टमर्स को कंट्रोल करने के लिए, उनसे बार्गेनिंग पावर मैनेज करने के लिए आप ई कॉमर्स कर रहे हो। ई कॉमर्स में ऐसे ही आदमी बार्गेन नहीं करता है। और सब्स्टिट्यूट से लड़ने के लिए आप कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग और कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग, मतलब अपने प्रोडक्ट में इतना परफेक्शन ले आइए कंप्यूटर्स के थ्रू कि सब्स्टिट्यूट में लोग जाने से कतराएं। दैट्स द आइडिया। उससे क्या होता है, एक और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग करने से, मतलब मशीनरी सब ऐसा हो जो कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी पे चलता हो, जो ऑटोमेटेड काम कर पाए और परफेक्शन के साथ काम कर पाए, तो वो जल्दी भी डिलीवर भी कर पाए। तो क्या होगा, आदमी सब्स्टिट्यूट के पास नहीं जाएगा। जिस रीज़न से सब्स्टिट्यूट के पास जाता है वो रीज़न को कॉम्बैट करने का कोशिश करना है। तो कैन आईटी काउंटर 5 फोर्सेज? यस, बाई यूजिंग डिफरेंट वेज, बाई यूजिंग आईटी इन डिफरेंट वेज फॉर ईच ऑफ द फोर्सेज वी कैन ट्राई टू कॉम्बैट देम। और पोर्टस 3, जेनरिक फोर्सेज एंड यूज ऑफ आईटी, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके इंस्टीट्यूट मैट में है जो एग्जाम में अभी तक तो नहीं आया है, कि ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप लाने के लिए आप आईटी से इन्वेंट्री मैनेजमेंट करिए, कॉस्ट रिडक्शन हो सकता है। डिफरेंशिएशन लाने के लिए आप ऑनलाइन ऑर्डरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रांड इमेज वगैरह क्रिएट करिए। और फोकस स्ट्रेटेजी के लिए टारगेट अ बायर ग्रुप इन अ निश सेगमेंट एंड सी व्हाट दे नीड। इफ दे नीड कॉस्ट लीडरशिप लो कॉस्ट देन प्रोवाइड दैट, इफ दे नीड योर डिफरेंशिएशन देन प्रोवाइड दैट, एंड यूज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू गेन इनसाइट्स इन टू वॉट द निश सेगमेंट वॉन्ट्स। आईटी कैसे हेल्प कर सकता है, आपको इनसाइट दे सकता है कि उनका इच्छा क्या है, उनका चाहत क्या है। ठीक है, पेस्टल एनालिसिस वैसे कुछ क्वेश्चन आया नहीं, आप अपने से पढ़ लीजिए। इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं पोर्टर्स के ऊपर, तो मैं आपको नंबरिंग दे देता हूँ, आप वो सब क्वेश्चन को अभी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है WDG का, क्वेश्चन नंबर 5 है ABC लिमिटेड का, और क्वेश्चन नंबर 10 है सवाल का। ठीक है, सवाल करके एक है, सवाल वाला केस स्टडी डाइजेस्ट में है, और ABC लिमिटेड वाला ICMAT में है, और WDG वाला पेपर ट्यूब्स एंड कार्डबोर्ड को लेकर क्वेश्चन है, जो बहुत आसान सा है, और वो RTP May 19 का क्वेश्चन है। तो ये 3 क्वेश्चन मेरे को मिला जो आपका पोर्टर्स 5 फोर्सेस पे बात कर रहा है। ठीक है, और इसके ऊपर एक क्वेश्चन था डिविजनल ट्रांसफर प्राइजिंग चैप्टर में है, तो उसको भी आपको देख लेना है। और फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारे DJB बुक में है, उसमें बस ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब कोई केस स्टडी जैसा कोई क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ऑलराइट, तो ये आपका यहाँ तक हो गया पोर्टर्स 5 फोर्सेस, बेसिकली इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस। अब एक बार आप आ जाओ, मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन 2, 5 और 10। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो ये WDG इज़ अ फैमिली ओन्ड बिजनेस, वो लोग आपका पेपर ट्यूब बिजनेस में हैं और कार्डबोर्ड बॉक्सेस में हैं और पेपर ट्यूब बिजनेस में जाना चाहते हैं, तो इनको पोर्टर्स 5 फोर्सेस अपना एनालाइज करना था। तो एक एक का एग्जाम्पल भी था कि हाई थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स है, कस्टमर पावर इज़ हाई है, हाई थ्रेट फ्रॉम सप्लायर्स है, हाई राइवलरी है, रियल थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट एग्जिस्ट है, तो उसका एक एक एग्जाम्पल केस स्टडी से उठा के डालना था। और ओवरऑल फिर लास्ट में आप बता सकते हैं कि डज नॉट सीम वेरी अट्रैक्टिव, मार्केट डज नॉट सीम वेरी अट्रैक्टिव। ठीक है, फिर ये पेपर ट्यूब वाला क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट था आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो ABC लिमिटेड से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे बोल रहा है, ये देखिए ये बेसिक क्वेश्चन है, इसमें आपका ये ABC लिमिटेड वाला जो क्वेश्चन है, ये तो पोर्टर्स 5 फोर्सेस वाला नहीं है, ये तो आपका उसमें जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से हटा दो, क्वेश्चन नंबर 5 ये ABC लिमिटेड वाला एक्चुअली यहाँ का नहीं है, मेरा ही मार्किंग में गड़बड़ा गया। ये क्वेश्चन आपका यहाँ का है, यहाँ पे मैंने लिखा ABC लिमिटेड ICMAT, यहाँ पे वापस लिख दिया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो ABC लिमिटेड वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, वो तो बहुत सिंपल सा है कि उसका प्राइमरी एक्टिविटीज़ का नाम लिखना था आपको बस, और प्राइमरी एक्टिविटीज़ का एग्जाम्पल यहाँ पे जो ऊपर से मैच होता है उसको लिख देना है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 5 तो उधर से ही हो गया, फिर है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 10 है जो सवाल लिमिटेड का क्वेश्चन है। ये रहा सवाल,
इसमें क्या था, वो एक इंश्योरेंस एडवाइजरी कंपनी था, वो ऑनलाइन इंश्योरेंस बिजनेस में शिफ्ट होना चाह रहा है, और उसका बहुत सारा फैक्ट्स यहाँ पे दिया हुआ था, और इसको लेकर बोल रहा था कि आप ये बताइए पहला पार्ट में कि आप टू अप्रोप्रिएट पॉइंट्स फॉर ईच फेज ऑफ असेसिंग द एनवायरनमेंट, असेस करना है कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट, तो इसमें फाइव फोर्सेस को यूज़ करना था और एक एक में दो दो अप्रोप्रिएट पॉइंट्स आपको देने थे। तो ये मुझे लगता है कि आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए क्वेश्चन। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स के अंदर दो पॉइंट है, ए बी, ऐसे मल्टीपल पॉइंट्स दिए हुए हैं, सी डी, क्वेश्चन ज़्यादा बता दिया है, बट एग्ज़ाम अगर अगर आएगा तो आपको दो दो ही लिखना है। जैसे बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स में एक दो तीन, ऐसे तीन तीन पॉइंट दिया हुआ, आपको एनी टू पॉइंट्स लिखना है। फिर थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स में एक दो तीन, ये सब पॉइंट्स एक बार आप पढ़ लेंगे। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक एक ही है, राइवलरी का एक एक ही है, राइवलरी में ए है, नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन एंड रिस्पेक्टिव मार्केट शेयर, लैक ऑफ डिफरेंशिएशन, स्लो मार्केट ग्रोथ, एग्जिट बैरियर्स, तो इस तरह से दो पॉइंट ही लिखना है। जहाँ नहीं है पॉसिबल दो पॉइंट तो एक पैराग्राफ है तो एक ही पैराग्राफ लिखेंगे। इसमें मेन ये भी देख लीजिएगा, ये वाला चीज़ जो था वो किसी और से कनेक्टेड नहीं था, कि सब एजेंसी डिवीजन को हम लोग को कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके लिए फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रीजंस दिए हुए थे। तो फाइनेंशियल में यहाँ पर बातें की हुई थी कि कैसे रेशियोज़ को देखना है, जैसे प्रॉफिटेबिलिटी देखना है, लिक्विडिटी देखना है, गियरिंग रेशियो देखना है, और नॉन फाइनेंशियल्स में, ये नॉन फाइनेंशियल्स हैं जिसमें क्लाइंट्स डेमोग्राफी, क्लाइंट्स डेमोग्राफी के ऊपर बात हो रहा है, मतलब कि क्लाइंट का एज ग्रुप क्या है, रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़ आ सकता है, लीगल आस्पेक्ट हो सकता है, यूएसपी आपका लूज़ कर सकते हो अगर आप पूरा ऑनलाइन में चले जाओगे, क्योंकि आपका यूएसपी था एडवाइस करने का, जो लोग आके आपके यहाँ पे एडवाइस लेते थे। तो ये फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल का कोई एज सच कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट डिसीजन मेकिंग में आप लोग सीखते हैं कि फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों अपने को चाहिए, तो दोनों को लेके आपको यहाँ पे बता दिया गया है, राइट? ओके। फिर इसके अलावा मैंने और भी क्वेश्चंस आपको दिए थे, जैसे आप ये जुलाई 21 का एक क्वेश्चन है, 11 नंबर, इसको देख लेना, कि अपने से अटेम्प्ट करना कि ये एक्टिविटी है तो ये वैल्यू चेन है। छोटा छोटा क्वेश्चन जितना हो सके अपने से अटेम्प्ट करना। ये मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया था, दिखाया नहीं था, बट ये मार्क कर दिया था, आपको वो पढ़ लेना है। ओके, तो जो जो आपको बता रहा हूँ उतना आपको बेयर मिनिमम अभी रिविजन करना ही करना है, वो आप कितना फास्ट करते हो उसके ऊपर है। क्वेश्चन को पढ़ोगे, क्वेश्चन का आइडिया लग जाता है खाली देखने से कि इस क्वेश्चन में क्या कहानी था, स्टोरी याद आ जाता है, बस उतना ही। क्वेश्चन पूरा रीड नहीं करना है बैठ के, खाली क्वेश्चन देखने से आइडिया लग जाता है ये इस बारे में था, और फिर सॉल्यूशन में पॉइंट्स देखना है, खाली पॉइंट्स, सॉल्यूशन में ये नहीं कि पूरा रीड करने लग गए, पूरा अभी मार्किंग करने लग गए, उतना टाइम ही नहीं है, वो पढ़ा हुआ है, मार्किंग किया हुआ है, तो बस पॉइंट्स देख देख के आगे बढ़ जाना, और देखना कि वो पॉइंट्स मेरे को एक बार बिना देखे भी कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दैट्स द अप्रोच, ठीक है? तो इसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन 9 DJB में, जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन है, उसमें कुछ नहीं है, वो एग्जैक्टली यही आंसर लिखा हुआ है। फिर हम लोग आ जाते हैं कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस, ये सब के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, बट आप फिर भी एक बार फटाफट सुन लो। देर इज़ नो क्वेश्चन हियर, टू वेज टू अचीव इट, उसमें डिस्टिंक्टिव और यूनिक स्किल और रिसोर्स होना चाहिए, टेक्निकल नो हाउ होना चाहिए जिसको आप पेटेंट करा लेंगे। थ्री टेस्ट टू आइडेंटिफाई इट, कि उसमें एंड प्रोडक्ट बेनिफिट्स आना चाहिए। थ्री टेस्ट टू आइडेंटिफाई इट का मतलब क्या, एंड प्रोडक्ट बेनिफिट आना चाहिए, एक्सेस टू वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट होना चाहिए, डिफिकल्ट फॉर कॉम्पिटिटर्स टू इमिटेट होना चाहिए। अगर वो इमिटेट हो जाएगा तो कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है, अगर उससे मार्केट नहीं मिल रहा है तो कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है, एंड प्रोडक्ट का कोई बेनिफिट नहीं है तो उससे कोई कॉम्पिटेंसी नहीं है। दो सोर्स अचीव करने का, कि आपके पास रिसोर्सेज होना चाहिए और कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जिससे आप उस रिसोर्स से क्रिएट कर पाएँ, खाली अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इज नॉट गोइंग टू क्रिएट कोर कॉम्पिटेंसी। सो आपके पास कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए जो आता है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर से, जो आता है प्रोसेसेस से, जो आता है कंट्रोल सिस्टम से, कि आप अपने आदमियों से काम करवा कर उस रिजल्ट को ला पाएं जो कोर कॉम्पिटेंसी क्रिएट करेगा। फिर वैल्यू चेन अप्रोच को यूज़ कर सकते हैं आप टू कोर कॉम्पिटेंसीज फॉर कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, जिसके लिए वैलिडेट करो कोर कॉम्पिटेंसी इन करेंट बिजनेस, की हमारा एक्चुअली कोर कॉम्पिटेंसी है क्या, और उसको वैलिडेट करो करेंट बिजनेस में कि आपका स्ट्रेंथ कहाँ पर है। फिर लिवरेज करो यू, यानी कि उसका फ़ायदा लो टू द वैल्यू चेन फॉर अदर एग्जिस्टिंग बिजनेस। फिर यूज़ कोर कॉम्पिटेंसी टू रिकॉन्फिगर द वैल्यू चेन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस, यूज़ कोर कॉम्पिटेंसी टू क्रिएट न्यू वैल्यू चेन। ये दोनों ऑलमोस्ट एक जैसा लगता है, ये बस क्या, एग्जिस्टिंग बिजनेस मतलब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर आप यूज़ कर रहे हैं,
एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर अपना स्ट्रेंथ को यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या है, नया कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं, नया कस्टमर्स, नया मार्केट या फिर नया प्रोडक्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। सेगमेंटेशन एनालिसिस मतलब बोलना चाहते हैं कि एक जो बिज़नेस होता है वो उस बिज़नेस के बहुत सारे छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स हो सकते हैं। जैसे कोई प्रोडक्ट ले लो कार, उस कार का कितना सारा कॉम्पोनेंट्स होता है, तो हर कॉम्पोनेंट का अपना एक मैन्युफैक्चरिंग लाइन खुल सकता है। तो वो बिज़नेस आप मेक करोगे कि बाय करोगे, वैसे डिसीजन ले सकते हो और अकॉर्डिंगली अपने बिज़नेस को रिकॉन्फिगर कर सकते हो। उसी को सेगमेंटेशन एनालिसिस बोलते हैं, जिसमें स्टेप्स आते हैं, आइडेंटिफाई करो अपना सेगमेंटेशन वेरिएबल्स एंड कैटेगरीज, और उसके बाद कंस्ट्रक्ट अ सेगमेंटेशन मैट्रिक्स, एग्जांपल में एंस ऑफ मैट्रिक्स, प्रोडक्ट एंड मार्केट। आप एनालिसिस करो कि आपका सेगमेंट क्या है, क्या आप मार्केट क्या चाह रहा है, प्रोडक्ट आप क्या ऑफर कर रहे हो। फिर सेगमेंट अट्रैक्टिवनेस मतलब उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखो, लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट देखो, फिर देखो कि उसको उसमें सक्सेसफुल होने के लिए आपको क्या की सक्सेस फैक्टर पे काम करने पड़ेंगे, जिसके बिना आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्या कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगा, या स्किल लगेगा, या मैनेजेरियल टीम लगेगा, क्या लगेगा जिसके बिना आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और फिर देखो कि ब्रॉडली उसका क्या स्कोप है और नैरो स्कोप क्या है, जिसके बाद आप डिसीजन लो कि वो सेगमेंट आपको जाना है कि नहीं जाना है। तो ये सब जब आपको रिवीजन कराया था तो बताया था कि प्रोडक्ट्स होंगे, उसका मार्केट का क्लासिफिकेशन होगा, फिर देखेंगे कौन सा ज़्यादा अट्रैक्टिव है, फिर उसका क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या है, उसके बाद उसका स्कोप देखकर हम लोग उसको कंक्लूड करेंगे। देखिए ये सब चीज़ से ना उतना क्वेश्चन कभी आया नहीं है, तो आप एक बार ये सब चीज़ को एक बार हल्का में देख के निकाल दो, और लास्ट इसमें आ जाओ आप ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन वाले कॉन्सेप्ट में। ये आपका केस स्टडी डाइजेस्ट में इंट्रोड्यूस किया हुआ था फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, ठीक है, उसका एक क्वेश्चन था DJB क्वेश्चन नंबर 13, मैं रेफरेंस लिख देता हूँ, क्वेश्चन 13 अभी लेटेस्ट DJB की बात हो रही है। अगर थोड़ा भी पुराना DJB है तो केस स्टडी डाइजेस्ट का हमने उस समय अलग आपको बुकलेट दिया था, उसके पहले वाला DJB में, तो उसमें आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन का नाम है स्टाइल इन फैब्रिक के नाम से है, जो केस स्टडी डाइजेस्ट में आया था, केस स्टडी डाइजेस्ट में, उसमें इसके बारे में डिस्कस किया हुआ था कि आप जब फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करते हैं, यानी कि आप अपने आगे वाले कस्टमर्स को एक्वायर करें जो आपसे बाय करता है, तो उस समय क्या क्या चीज़ का बेनिफिट्स आपको मिल सकता है। एक तो फाइनेंशियल गेन हो सकता है, दूसरा स्ट्रेटजीज और वैल्यूज़। बिफोर डूइंग दैट आपको ये ध्यान देना पड़ता है कि कंडीशन मतलब ओनली इफ़ यू फाइंड ऑल दीज पैरामीटर्स मैचेबल। तो पहला है कंडीशन में NPV पॉजिटिव आना चाहिए, दूसरा आपका स्ट्रेटजीज और वैल्यूज मस्ट बी सेम, मतलब आप फोकस कर रहे हो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी पे, सामने वाला जिसको एक्वायर कर रहे हो वो कॉस्ट लीडरशिप पे फोकस कर रहा है, तो मैच नहीं होगा ना, तो बहुत क्लैश होगा। तीसरा मैनेजमेंट स्किल शुड बी देयर टू हैंडल बोथ द प्रोडक्ट लाइन, आपका बिजनेस आप समझते हो बट उनका बिजनेस आप नहीं समझते हो, तो मुश्किल होगा बिजनेस को टेक ओवर करके कंटिन्यू करने में। फिर आप अगर अब जब फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हो तो ट्रांसफर प्राइसिंग आ जाएगा, पहले आप बेचते थे, अभी आप ट्रांसफर करोगे सामने वाले को, तो ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी का अगर आपको ज्ञान नहीं हुआ, आप सिंक्रोनाइज नहीं कर पाए डिवीजन मैनेजर्स को और देयर बेस्ट इंटरेस्ट को काम करने लगे, तो लॉस हो जाएगा। फिर आप कस्टमर बेस आपका इंक्रीज होना चाहिए, अगर आप नहीं कर पा रहे तो फिर नुकसान है, और अगर आप बॉटल नेक्स क्रिएट होने वाले नए नए तरीके के, क्योंकि जो पहले था आपका ही हिस्सा का बॉटल नेक्स, अब नया बॉटल नेक्स आएगा, वो लोग आपकी चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाएंगे, आप उनकी चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो वो बॉटल नेक को मैनेज करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ये सब कंडीशंस अगर आपके पास है तो आपको फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में जाना चाहिए। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का अपना एडवांटेजेस भी है तो डिसएडवांटेजेस भी। एडवांटेजेस है कि प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाता है, कंट्रोल ओवर मार्केट आ जाता है, क्योंकि आप ज़्यादा एक्टिविटीज़ अपने सप्लाई चेन में कर रहे हो, आप कस्टमर्स के और क्लोज चले जाते हो। पहले आप डायरेक्ट कस्टमर को डील नहीं करते थे, वो उसके कस्टमर को डील करता था, तो अब आप उनके कस्टमर को डील कर रहे हो, तो यू बिकम मोर डायरेक्ट टू द कस्टमर्स, यू गेट मोर फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट्स, एंड ब्रांड बिल्डिंग भी होता है। जितना ज़्यादा वेराइटीज़ ऑफ वर्क या अम्ब्रेला अपने अंडर में आप बनाते हो, तो ब्रांड बिल्डिंग भी होता है। फिर डिसएडवांटेजेस आता है, डिसएडवांटेजेस में डाइवर्जन ऑफ मैनेजमेंट फोकस। डिसएडवांटेजेस में डाइवर्जन ऑफ मैनेजमेंट फोकस है, मतलब क्या है डिसएडवांटेजेस में डाइवर्जन ऑफ मैनेजमेंट फोकस का मतलब क्या है कि आपका ध्यान बट जाता है, आपको बहुत सारा चीज़ करने के चक्कर में आप अपना चीज़ पे भी ध्यान नहीं देते हो, वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ सकता है, बहुत सारा प्रोडक्ट लाइन मैनेज करने का लोड आ सकता है, कोर स्ट्रेटजीज में डिफरेंस क्रिएट हो सकता है, वह जैसे कि मैंने ऊपर में एग्जांपल कंडीशंस में बताया आपको, एम्प्लॉई की रेजिस्टेंस आ सकती है, ऑपरेशनल रिस्क बढ़ सकता है, बिकॉज अब आपको दोनों जगह से प्रॉफिट कमा के देना है,
और फाइनेंशियल रिस्क भी बढ़ सकता है अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया एक्विजिशन में थ्रू डेट्स एंड ऑल, तो फाइनेंशियल रिस्क भी बढ़ सकता है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ये मैंने एक बार बोला है तो आपको सुन के थोड़ा सा रिकलेक्ट हुआ होगा, बट आपको मेमोरी में जचाना पड़ेगा। आप खाली समझ के जाएंगे और आंसर लिखने जाएंगे तो आंसर बनेगा नहीं, आपको मेमोरी में जचाना पड़ेगा। इसका जो क्वेश्चन है वो आप उसको अब रेफर कर लीजिएगा, उसमें इसी के बारे में 3 पैराग्राफ में बात किया हुआ है, ठीक है। और फिर आ रहा है ये एंड्स ऑफ मैट्रिक्स को आप जाने दीजिए, विजन मिशन को जाने दीजिए, वैल्यू शॉप मॉडल का एक्चुअली इंस्टीट्यूट मटेरियल नया जो आया उसमें एक छोटा सा पैराग्राफ कर दिया गया, इतना डिटेल हटा दिया गया, ऐसा लगता है कि वो हटा दिया गया है सिलेबस से बट हटाया नहीं है, छोटा सा पैराग्राफ है तो इसको पढ़ लीजिए। ये सर्विस वालों के लिए नया तरह का वैल्यू चेन मॉडल है, उनका जो फोकस होता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग फोकस होता है। इसमें सपोर्ट एक्टिविटीज सेम है, बस प्राइमरी एक्टिविटीज़ को चेंज कर दिया गया। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में चार है कि पहले प्रॉब्लम को समझो, फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करो, फिर आप सॉल्व करने के डिफरेंट सॉल्यूशन में से बेस्ट सॉल्यूशन को चूज़ करो और उसको फिर एग्जीक्यूशन करो, इम्प्लीमेंट करो, रिजल्ट देखो, अगर सॉल्व हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर से प्रॉब्लम को समझने पर जोर लगाओ। और रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन SCM के ऊपर कुछ आपको ध्यान नहीं देना है। अच्छा, ये वैल्यू शॉप मॉडल का जो बात है उसको लेकर मैंने बोला था आपको, वेस्टवुड वाले जो क्वेश्चन था ना, वेस्टवुड सोलर सॉल्यूशन में, उसमें आपको इसके बारे में एक पैराग्राफ मिलेगा। और एक वो परीक्षा वाले क्वेश्चन में भी इसके बारे में था, परीक्षा वाला क्वेश्चन कितना नंबर था हमारा, 14। वैल्यू चेन एंड वैल्यू शॉप मॉडल, ठीक है, तो डिफरेंस आपको बताना था। तो क्वेश्चन नंबर 14 वाले में भी, परीक्षा वाले क्वेश्चन में भी इसके बारे में पूछा गया था। तो बस ये दो जगह से एक बार पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो नया नहीं है, ऊपर में जो बता दिया तो उसी में इसका एक पार्ट जुड़ा हुआ है। ऑल राइट, एक IT सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन नंबर मैंने देखा कितना नंबर है, 15 DJB बुक में, W इज़ अ सेंटेड डेकोरेटिव करके है, ये केस स्टडी डाइजेस्ट का क्वेश्चन है। सर मैंने केस स्टडी डाइजेस्ट पूरा पढ़ा नहीं है, मैं क्या करूं? तो जो जो मैं बता रहा हूं आप वो पढ़ लीजिए, बस केस स्टडी डाइजेस्ट का क्वेश्चन है उसको आप कर लीजिए, और इजी क्वेश्चन है। उसमें ये इश्यूज आपको आइडेंटिफाई करके बताने हैं कि कंपनी ये सोच रहा है कि मैं ऑनलाइन बिजनेस में जाऊं, एक बार धोखा खा चुका है, मतलब बोलता है ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो वैसा वाला केस है। तो उसका क्या इश्यूज़ है वो सबको हाईलाइट करना है, लैक ऑफ IT रिसोर्सेज जिसमें टीम, सीनियर, सॉफ्टवेयर्स, देन है सेटअप एंड रनिंग कॉस्ट को लेकर एक टेंशन होता है, इश्यूज़ होता है IT में कि वो बहुत ह्यूज होता है, अगर फेल हो गया तो इसका कॉस्ट पूरा राइट ऑफ करना पड़ता है। बहुत लोगों को टेक्नोफोबिया होता है, टेक्नोफोबिया मतलब टेक्नोलॉजी से डर लगता है कि पता नहीं कुछ गलत हो गया तो। और एक होता है लैक ऑफ कस्टमर इंटरेस्ट, लैक ऑफ कस्टमर इंटरेस्ट का मतलब है कि कस्टमर को कई बार होता है कि IT में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, फैक्चुअल रियल में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मतलब पता ना ऑनलाइन शॉपिंग में सेंट खरीदने कैसे जाएगा, वो जाएगा तो रियल शॉप में जाके खरीदेगा। और सिक्योरिटी इश्यूज तो आ ही सकते हैं, डेटा ब्रीच हो सकता है। और एडवांटेजेस क्या है कि कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलता है कि आप कुछ एक्स्ट्रा फीचर दे रहे हो, एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे रहे हो कस्टमर को, स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन मिल सकता है बिकॉज बहुत सारा चीज़ IT से ना फटाफट रिपोर्ट्स मिल जाता है हम लोगों को, और बहुत सारा मैटर सामने सामने में ट्रांसपेरेंटली दिख जाता है। जैसे इस पर्टिकुलर सम में क्वेश्चन में ये बोला हुआ था कि उसको स्टॉक के बारे में पहले से जानकारी मिल जाएगा तभी वो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, रियल टाइम में अप टू डेट रहेगा वो सारा इन्फॉर्मेशन से। प्रिकॉशन लेके चलो कि कॉस्ट ऑफ फेलियर्स बहुत हाई होता है, इसलिए अननेसेसरी खर्चा मत करो, और राइवलरी आ ही सकता है, जो आप करोगे कॉपी पेस्ट हो सकता है, इसलिए आप अप टू डेट रखो अपने आप को और नए नए टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करते रहो। तो ये क्वेश्चन 15 में DJB में हम लोगों का है, आप उसको देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 ये वाला, ये देखिए वही सब पॉइंट्स है, लैक ऑफ इन हाउस IT रिसोर्सेज, सेटअप एंड रनिंग कॉस्ट के बारे में, टेक्नोफोबिया स्टाफ को लेकर होता है, वो लोग का रेजिस्टेंस हो सकता है, लैक ऑफ कस्टमर इंटरेस्ट, उनको सब चीज़ ऑनलाइन परचेज करने में इंटरेस्ट नहीं है, सिक्योरिटी इश्यूज आ सकता है, ठीक है। तो अब क्या है कि इसका एडवांटेज है, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्मेशन जल्दी मिल जाएगा, और कॉस्ट ऑफ IT सिस्टम अगर आप प्रिकॉशन रखोगे तो आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, और फास्ट मूविंग आप रहोगे तो कॉम्पिटेटिव राइवलरी में आपको एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। और भी कुछ बेसिक क्वेश्चंस आ गए हैं, जैसे कि
ये वाला देख लो आप, एक बेसिक क्वेश्चन है, करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट। आजकल अभी देख रहे हैं आरटीपी एमटीपी में इस तरह का क्वेश्चन डाल रहा है, तो आप अपने आप इसको ट्राई करके देखो इसका आंसर क्या। आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, एमटीपी अक्टूबर 21 का क्वेश्चन है। डिफरेंशिएशन कैन बी अचीव्ड बाई, इनमें से किस तरीके से डिफरेंशिएशन आ सकता है, इनोवेशन से आ सकता है। जैसे QIS आपको बताया ही था, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सर्विसेज, ठीक है। तो इस तरह से आप एक बार अपने आप ट्राई करके देखो इसमें क्या बोल रहा है, और फिर चेक करो कि आपका नॉलेज क्या है। सब छोटा छोटा चीज़ जैसे ही मौका मिले ट्राई करना चाहिए, ये नहीं कि छोड़ देना चाहिए, ठीक है। प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सर्विसेज है तो प्रोक्योरमेंट हो गया, प्रोसेस एक्सेप्टेंस के बारे में बात हो रहा है तो अप्रेजल हो गया, ये TQM चैप्टर में पढ़ते हैं आप। कटिंग डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर बाई 5% का बात हो रहा है तो इकोनॉमी हो गया। इम्प्रूव्स द मोटिवेशन ऑफ जूनियर मैनेजर, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, जिसमें उनको ऑटोनॉमी दिया जाता है कि तुम अपना डिसीजन खुद लो, अपना ऑर्गेनाइजेशन को खुद चलाओ, अपना डिवीजन को खुद चलाओ, तो उनको मोटिवेशन फील होता है। किसी भी चैप्टर से घुसा घुमा के ये पूछ रहा है। इस तरह का एक और बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, एक और बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है 12 नंबर। मैं चाहूँगा कि आप जैसे कुछ कुछ अपने से अटेम्प्ट करना है तो ये सब तरह का चीज़ को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में 5-10 मिनट लगाकर, ये नहीं कि खटपट से पढ़ लिया, 5-10 मिनट लगाकर अपने आप इसको अटेम्प्ट करिए, और फिर मिस्टेक्स होगा, कोई उपाय नहीं है, तो उतना वरी नहीं करिए। जो मिस्टेक हो उसको मार्क कर लीजिए कि उसको एक बार फिर से नज़र समय मिला तो घुमा लेंगे। तो इस तरह से आप देखिए, आपका ये चैप्टर मेरे तरफ से ख़त्म हुआ। ऑल राइट, इस तरफ से मेरा ये चैप्टर आपके लिए ख़त्म हुआ। अब आप क्या करेंगे, बस इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन मैं आपको बताया, अगर आपने मेरे साथ साथ उसको भी देख लिया तो वेल एंड गुड है, अगर उससे काम बन गया है तो, नहीं तो थोड़ा सा पॉज करके एक बार और क्वेश्चन पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। नॉर्मली जब डे बिफोर एग्जाम आप पढ़ते हैं तो एक बेसिक रूल आप ध्यान रखिए कि कोई भी नया चीज़ नॉर्मली हम लोग नहीं करते अनलेस वो बहुत छोटा सा हो, बहुत सुकड़ा सा हो, और लंबा चीज़ है तो पढ़ा हुआ होगा पहले से, क्वेश्चन में भी मार्किंग होगा, आंसर में भी आपका सब साइड में लिखा हुआ होगा, ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स है, तो अपना हाथ का लिखा हुआ पॉइंट्स को ही बस एक बार देखते हैं और पॉइंट्स को रिटेन करने की कोशिश करते हैं कि अगर मेरे को ये आंसर लिखने बोल दिया गया तो मैं वो पॉइंट्स रिकॉल कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। दैट्स द गोल। अब जैसे आपने वेस्टवुड सोलर सोल्यूशन पढ़ा तो फॉलोइंग बेनिफिट्स विल अक्रू, तो बेनिफिट्स क्या क्या, वो पॉइंट्स अपने आप याद आना चाहिए, ठीक है। इलेबोरेट कैसे करना है वो आपको इसमें से कोई कहानी अटैच करके देखना पड़ेगा, तो वो आपका साइड में लिखा हुआ है तो उससे आप पढ़ लीजिए, नहीं तो पॉइंट्स यहाँ से देख देख के आपको अपना कैचअप करके आगे बढ़ना है। तो पॉइंट्स याद है कि नहीं उस पर फोकस करना है रादर देन पूरा पूरा पढ़ना है, ठीक है। इलेबोरेट अपना लैंग्वेज में करिए बट पॉइंट्स जरूर 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 अपना आंसर में मेंशन कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल इन चैप्टर नंबर 1। होप यू एंजॉयड इट एंड लेट मी नो हाउ मच यू एन्जॉयड इट। ओके, मैं वेट करूँगा, सब चीज़ मुझे बताते रहिएगा कॉमेंट वॉमेंट कर करके। ओके,